तो आज की कहानी में घुसने से पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में कुछ गालियाँ ज्यादा हो गई थी, और आई होप यू गाइस डोंट माइंड इट। वैसे भी आजकल लोग गालियों को एंटरटेनमेंट के तौर पर लेते हैं, सो आई होप। और दूसरी चीज ये कि आपको किसी भी चीज का प्रोडक्ट खरीदना, जो मैं यूज करता हूँ, मैं जो राइडिंग के लिए यूज करता हूँ, मैं बाइक के लिए यूज करता हूँ, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है, हम लोग घूम रहे थे नैनीताल, और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे कुछ मुद्दतें वक्त की लहरों में फैल जाती है, ये लम्हा इस बात की गवाही है। क्या सही ना जा रहे हैं ना भाई, एक नंबर। इसका मजा ही राइड भी डायरेक्ट मुझे पहली बार आ रहा है ना, इतनी पास से मिल रही है, ऐसा लग रहा है पहली बार आ रहा है ना इसी जगह पे। मजा आया कल राइड करके 900 किलोमीटर पूरा है, 1000 किलोमीटर ही हो गया, 1000 किलोमीटर ही हो गया वो तो। आज अपन एक काम करेंगे, आज अपन पूरा घूमते हैं 4-5 लेक, और उसके बाद अपन आ जाते हैं पिथौरागढ़ के लिए निकल जाते हैं। 250 किलोमीटर है, पर जल्दी खींचेंगे थोड़ी सी गाड़ी, गाड़ी में चलाऊंगा। चलो रेडी? या रेडी रेडी रास्ते में अपने सब मिल जाएंगे, अभी बॉल वगैरह सब मिलेगी, तो अपन व्यू देखते देखते जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ निकल जाएंगे अगर हुआ तो, है ना। लेट्स गो लेट्स गो। आज तो ऑफ रोड चालू हो गया पहले से, ये भी सब बंद है। वीडियो बनाए क्या यहाँ पे? अपन भटक गए थे। ऐसे ही जिंदगी में लोग भटक जाते हैं गूगल मैप की तरह। गूगल मैप तो भाई बहुत ही गंदी चीज है भाई। केमल पीक साइड में जो केमल पीक है, मनी पीक जो है वहाँ चाइना की वो दिखती है, वॉल वॉल दिखती थी, पहले चाइना पीक थी, वो ढक गया अर्थक्वेक के टाइम कारण। यहाँ से लेक का पूरा व्यू आता है पूरा, चाइना इतना अंदर तो घुसा हुआ है, चाइना तो मतलब यहाँ से पीक इतनी हाई थी, हाइट फिर दिखती थी वो चाइना वॉल, इसलिए चाइना पीक बोला हुआ था उसको। तो वही नैनीताल से ऐसे आओगे तो नैनी पीक इधर लेफ्ट वाली साइड पर जाएगा, और अभी हम जा रहे हैं नैनी पीक के लिए, देखते हैं वहाँ जाके सीन क्या होता है, और आगे से शायद उधर भी निकल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये कुमाऊँ रेंजेस की शुरुआत है, और हम अभी मैंगो पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से पूरे नैनीताल का व्यू आता है। अभी हम लोग थे मैंगो पॉइंट पे, और मैंगो पॉइंट से अभी हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़, मतलब लेक के पार से जाएंगे, बोटिंग नहीं करना है हमको, बोटिंग तो नॉर्मली करते रहते हैं जैसे, तो बोटिंग नहीं करेंगे हम लोग, पिथौरागढ़ निकल रहे हैं, 250 किलोमीटर है, देखते कैसा होता है रास्ता।
और रास्ते में देखते हुए जाएंगे क्या क्या है, मेरे को पूरा एक्सप्लोर करने का है ना। घुमा के लगानी पड़ेगी क्या? सही लगाना उधर कोने में। आना है पेट्रोल वेट्रोल का जितना भी खर्चा होगा वो बाद में वीडियो में बताऊंगा मैं कितना होगा कितना ट्रिप का। यहाँ पर गाड़ी स्लो ही चलाने में फायदा है, तेज चलाएंगे ना तो पास में ही हरिद्वार है, ज्यादा दूर नहीं, हरिद्वार भी वहीं मिलेंगे। बहुत बड़ा ट्रैफिक खुला है लग रहा है, ज्यादा ही गाड़ी आ रही है भाई। हम देते रहेंगे रिस्की रोड ब्रो, रिस्क है तो इसके पर यहाँ पर रिस्क लेने नहीं है। कहीं रास्ते में 40 किलोमीटर तक चलाई गाड़ी तो हमको ऐसी नज़ारे मिला तो हमने सोचा कि रुक जाया जाए, और आपको तो पता ही है जब नज़ारे आते हैं तो अपन रुक जाते हैं। राइडिंग अ मोटरसाइकिल गिव्स यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम, यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, इट इज अ स्ट्रेस बस्टर, एंड ऑल्सो राइडिंग माउंटेन्स इज लाइक यू हैव रिबूटेड योर सिस्टम। Must try riding in long and adventurous routes. It lets you have your own space while getting time to forget everything that has bothering you. अभी यहाँ पर खाना खाएंगे अपना ढाबा, अपना ढाबा करके है, अपना नहीं है अपना ढाबा, तो अभी वहाँ पर बाकी रोड कितना प्यारा था, मस्त मजा आया, काफ़ी अच्छा रोड समझ रहा। और आपको एक बात बता दें कि ये ना गढ़ है 72 किलोमीटर बता रहा, 2 घंटे का रास्ता, रात में थोड़ा सा रिस्की रास्ता है और इसलिए लेट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने रुक जाते हैं और रास्ता थोड़ा सा भयानक भी है। मतलब भयानक तो क्या है, मतलब आप कह सकते हो कि ट्रैफिक ज़्यादा था, घुमावदार रास्ता है इसलिए लेट हो रहे हैं। जैसे कितना टाइम लगता है पिथौरागढ़ पहुँचने में, दिस इज द व्यू एट नाइट, क्या सही सीन हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा था हमारी गाड़ी में कुछ कट 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 बज रहा है, ऐसा इसलिए रुक गए थे हम।
लेट्स गो। बैठ जा, बैठ 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 बैठ, चलो निकलते हैं इधर, आराम से चलना ज़्यादा बेहतर है। अभी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। हाँ निकल ही जाने थे, रुकेगा रास्ते में। ओहो चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, ये गलती किसी भी जाम मिल सकती है। ये भैरव एक्सप्रेस का खराब मजा आ गया। ये सीन है यहाँ का, सारा कुछ है। इसलिए रात में गाड़ी चलाना बहुत रिस्की है। आई विल नॉट रिकमेंड रात में गाड़ी चलाओ, कुछ भी हो सकता है। अगला मोड़ पहाड़ों में तो और नहीं चलाना है मुझे, चला रहा हूँ। दो तीन जगह ऐसी लगी हुई थी आज, आज भी वही खतरनाक काम हो गया। खुला है बाथरूम,